रे मैं एक नंबर छोरा दुनिया जाने मेरा टोरा जितने की तू लेरी कार उतने के मेरे गढ़ में हाँ कैसे रोल मचा के धर रहा है पूरा करता है सिर पे उठा के धर लियो अरे जल्दी नीचे कुआ रुक जा आ रहा हूँ नीचे को रे बेटा देख नई मोटरसाइकिल लेकर आया हूँ हाँ ना तू जहाज ले आयो ऐसे मोटरसाइकिल में जब नौकरी दे रहा है रेंदे रेंदे तू ही तो हो रोम बानी के औलाद क्या बात है अरुण भाई नई मोटरसाइकिल लिया है ओए यहाँ पर उनको नाम लिख लो साले मैं नहीं आई हूँ मैं लेकर आऊँ या सॉरी भाई मैंने सोचा अरुण भाई के घर खड़ी थी मोटरसाइकिल मैंने सोचा अरुण भाई की है यार इसकी तो लंबाई छोटी है इसे खींच के बड़ी कर लो तेरे बाप की लंबाई भी तो छोटी है वहाँ भी बड़ा करवा ले खींच के जा मैं ना सो चला जा साल पागल है चला बैठ तो घुमा के लेकर अरे तो घूमने की पड़ रही है बाबा का तुम्हारा बहुत काम पड़ा हुआ देखे भैंसिंगे को अरे काम तो हो तो रहेगा चल बैठ घुमा के लाओ चल तो अरे भाई देख क्या लड़की खड़ी है दोनों एल्टो के पास हाँ चल प्रपोज करते हैं दोनों को रुक जा पहले मेरी बात सुन पहली वाली पे मैं प्रपोज करूंगा और दूसरी वाली पे तू करियो अच्छा बड़ा तेज है तू अच्छी वाली तैने ले ली बेकार वाली मौक छोड़ दी अरे बेकार और अच्छी गुना जन्नत जुबेर चल दोनों एक जैसी है चल रहे चल तो ठीक है हाय ब्यूटी कैसी हो हम बढ़िया हैं आप बताओ स्प्लेंडर बॉयज भाई ये दोनों तो हमारी कैडी बेइज्जती मार रही हैं यार अरे भाई तू तो रुक ना अब देख आगे होता है क्या ओ मैडम लड़का चाहे स्प्लेंडर पे हो या बुलेट पे लड़का लड़का ही हो वे अच्छा तो तुम दोनों लड़की हो और का तुम्हें हम लड़की नजर आ रहे हैं गले में मंगलसूत्र दिख रहा है मांग में सिंदूर ए मिस्टर चिल्लाओ मत हमें ऊंची आवाज में बात करने वाले लोग पसंद नहीं है अच्छा सॉरी हम दोनों तो तुम्हें प्रपोज करने आए थे क्या तुम दोनों हमसे फ्रेंडशिप करोगी तुम दोनों से हम दोनों फ्रेंडशिप करेंगे शक्ल देखी अपनी हाँ शक्ल तो देखी कर ली तो मम्मी 5 रुपए का सीजा लेकर आई कहाँ तुम खटारस स्प्लेंडर पे और कहाँ हम ऑल्टो गाड़ी पे जितने की तुम्हारी खटारस स्प्लेंडर है ना उतने की तुम्हारी गाड़ी पेट्रोल पी जाती है की सर्विस जो टाइम से करवा ले करो एवरेज खराब हो रहा है या हमारा ज्यादा तेल पी रही है बकवास ना कम करो तुम्हें क्या लगा तुम स्प्लेंडर पे आओगे ऑफर मारोगे हम इम्प्रेस हो जाएंगे क्योंकि मिस्टर लिमिट में रहो तुम जैसे ना 36 आगे पीछे घूमते हैं बड़ा इम्प्रेस करने अरे कितने ढीठ हो तुम लोग इतनी बेइज्जती होने के बाद भी यहीं खड़े हो कंदा नी नारे तारे नंदारो तारे नारे नो भाई तुम दोनों यहाँ हो मैं तुम्हारे पास ही आया था गाड़ी की चाबी देने ये लो चाबी क्या क्या बोले तुम ये गाड़ी इन दोनों की है हाँ इन दोनों की पर तुम इतनी चौंक क्यों रही हो पर इनके पास तो स्प्लेंडर है ना जी नहीं ये बाइक मेरी है और मैं बताता हूँ तुम्हें ये बाइक इनके पास कैसे पहुँची अरे विनीत भाई क्या हो गया कैसे खड़े हो भाई पूछो मत मम्मी की तबीयत खराब हो रही है और डॉक्टर को लेने जाया था अचानक इसकी चैन टूट गई समझ नहीं आ रहा कुछ क्या करूं अरे तो तू इतना परेशान क्यों हो रहा है तू एक काम कर मेरी एक गाड़ी ले जा और डॉक्टर को घर ले जा माँ का इलाज करवा जब ठीक हो जाए गाड़ी वापस कर पर भाई आप कैसे जाओगे इसकी तो चैन टूटी पड़ी है और ऊपर से इतनी गर्मी भी हो रही है तू मेरी चिंता मत कर भाई जैसी तेरी माँ है ऐसी मेरी माँ है और माँ का इलाज होना ज्यादा जरूरी है तू जल्दी से डॉक्टर को ले जा और माँ का इलाज करवा ठीक है भाई जैसी तुम्हारी मर्जी थैंक यू भाई अगर उस दिन तुम मेरी मदद नहीं करते ना तो पता नहीं क्या हो जाता
अरे भाई इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा कर दिया। ठीक है भाई मैं चलता हूँ, मुझे बाइक की चाबी दे दो। ठीक है। हाँ तो क्या कह रही थी तुम दोनों कि जितने की हमारी स्प्लेंडर है उतने की तुम्हारी एल्टो तेल पी जाती है। तो मेरी सुन, जो तेरी ये गाड़ी है ना एल्टो बाबा आदम के जमाने की, ऐसी मैंने आज से 6 साल पहले चला के कबाड़े में बेच दी। और जितने की तेरी ये गाड़ी है ना उससे ज्यादा का तुम्हारा लोहा घर पड़ा है। और तुम्हारी ये एल्टो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी या हम दोनों इसमें धक्का लगवाए। बाय एल्टो गर्ल। ਚੋਰੀ ਵਾਲ ਟੋ ਤਣੇ ਕਲੋ ਅਮਰੀ ਛੱਡ ਬਬੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਏ ਤੱਕਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ।